तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का आपके चैनल अमित एडिटिंग में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा लैपटॉप मोबाइल में XMP फाइल को कैसे इंपोर्ट करते हैं। दोस्तों XMP फाइल फोटो एडिटिंग टूल होता है जिससे हमारी वन क्लिक में फ़ोटो एडिट हो जाती है और दोस्तों बिना कॉपी पेस्ट किए और बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊँगा लैपटॉप मोबाइल में किस तरीके से XMP फाइल को इंस्टॉल या इम्पोर्ट करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ मैं अपने लैपटॉप मोबाइल में। तो नीचे सामने दोस्तों दिया प्रीसेट, तो लाइब्रेरी में आ गया हूँ। तो दोस्तों लाइटरूम की तरफ से कुछ हम लोगों को यहाँ पे XMP फाइल मिले हैं जो सही नहीं है, किसी काम के लिए नहीं है। तो अपने से कैसे ऐड करेंगे इसमें XMP फाइल को, तो चलिए बताता हूँ आपको। तो सिंपली क्या करना होगा आपको, तो सबसे पहले फाइल मैनेजर में चले जाना है और फाइल में चले जाना है। अगर दोस्तों गूगल या यूट्यूब से आपने XMP को डाउनलोड किया है आप अपने फाइल में चले जाइएगा। तो दोस्तों मैंने XMP फाइल पहले से बना के रखा हूँ, तो चलते हैं इंपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने पहले से XMP फाइल बना के रखा हूँ पायरेलिक्स नाम से, तो चलते हैं। तो दोस्तों XMP फाइल को लाइटरूम मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली सारे XMP फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और दोस्तों यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद दोस्तों इंटरनल स्टोरेज पे चले जाना है, उसके बाद एंड्रॉयड में चले जाना है। एंड्रॉयड में आने के बाद दोस्तों डाटा में आ जाना है। डाटा में आने के बाद दोस्तों कॉम एडोबी में चले जाना है, उसके बाद फाइल में चले जाना है, उसके फिर से डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है। फिर से दोस्तों मल्टीपल जीरो दिख रहा होगा आपको, इस पर क्लिक करना है। फिर से प्रोफाइल पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, यूजर स्टाइल में क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आ गया इंडेक्स डॉट, इसमें अपने XMP फाइल को पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों हमारा XMP फाइल यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों हमारा XMP फाइल लैपटॉप मोबाइल में इम्पोर्ट हो चुका है, तो चलिए आपको दिखाता हूँ यूज करके। तो दोस्तों फाइल में पेस्ट करने के बाद फिर से लैपटॉप एप्लीकेशन में चले जाना है और ऑल फोटोज़ में चले जाना है। तो मैंने पहले से लैपटॉप मोबाइल में कुछ फ़ोटोज़ को इंपोर्ट करके रखा हूँ जिसे कि आपको दिखा सकूँ। तो चलते हैं फ़ोटो को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके इंस्टॉल किया हुआ XMP फाइल कहाँ पे दिखेगा, तो सिंपली प्रीसेट में चले आना है। प्रीसेट में आने के बाद दोस्तों लाइब्रेरी में चले आना है। तो दोस्तों इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करना है। तो दोस्तों यहाँ नीचे की साइड में देखिए हमारा XMP फाइल आ गया है पायरेलिक्स के नाम से। उसके बाद दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों देखिए बिना कॉपी पेस्ट किया और फोटो एडिट हो जा रही है वन क्लिक में। तो आप भी इस तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा ये टूल है। उसके बाद दोस्तों फोटो को सेव करने के लिए सिंपली क्या करना, सही बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों हमारा XMP प्रीसेट फोटो में सेव हो जाएगा। और सिंपली इस फोटो को सेव करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ शेयर में बटन पर क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना होगा। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके की वीडियो इस चैनल पर अपलोड हरदम होते रहेंगे। और नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।